हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, मेरे घर के सभी सदस्य अपने अपने काम पे लग चुके हैं और मैं बना रही हूँ अपना व्लॉग। सो व्लॉग को एंड तक देखना और व्लॉग में बने रहना। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। देखिए फ्रेंड्स, पापा कूलर को ठीक कर रहे हैं क्योंकि रात को हमारे कूलर के अंदर थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, तो डर है कि रात को चलाते वक्त ये बंद न हो जाए या फिर अंदर से इसकी मोटर न जल जाए, इसलिए पापा इसको ठीक कर रहे हैं। घर की छोटी मोटी चीज़ें पापा खुद ही ठीक कर लेते हैं, मिस्त्री तो नहीं है पर मिस्त्री से कम भी नहीं है। ये कर रहे हैं ठीक पापा। कूलर तो हमारे और भी है, एक हमारे अंदर वाले कमरे में फिट है और एक गेस्ट रूम में फिट है, पर ये कूलर बाहर का है क्योंकि हम रात को आंगन में सोते हैं, इसलिए हमें रात को बाहर ही नींद आती है। गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए बाहर कूलर की ठंडी हवा के नीचे ही सोते हैं हम। सो पापा इसको ठीक कर देंगे अभी। और इधर ये मेरी डॉटर देखिए नहा रही है। केक रे मुन्नु, केक रे बाबू, आप ही अपी नान लाग रहे है क्या? के नीचे नान लाग रही है तुम? ये साथ में ब्रश भी ले रखा है इसने। हम इसको कोलगेट तो नहीं लगा के देते क्योंकि इसको अभी तक कोलगेट करनी नहीं आती है, हम इसको कोलगेट करवाते हैं। ये देखिए इस अंदर ले जाऊंगे इतने चाल नहीं अंदर। फ्रेंड्स, ये इसको हम बाल्टी में बैठा देते हैं। अगर बाल्टी में बैठने के बाद इसको अंदर जाने के लिए बोलते तो ये अंदर जाने के लिए हाँ नहीं भरती और बहुत टाइम लगा देती है नहाने में। अभी मैंने इसको अंदर जाने के लिए बोला तो इसने मना कर दिया। मम्मी से पूछ रही कि क्या कर रही है तो ये बोल रही है के ना लियो अंदर चले गए तुम, ले चलोगे मुन्नु तन अंदर। ये देखिए बाल्टी के अंदर बैठ गई है, अभी छोटी सी बाल्टी से पानी ले लेके अपने ऊपर डाल रही है। क्या कर रहे बाबू? और यहाँ पे मम्मी झाड़ू लगा रही है क्योंकि हमारी शाम की झाड़ू का टाइम हो गया है। सो मम्मी शाम का झाड़ू निकाल रही है। काट ली मम्मी झाड़ू? मम्मी पसीनों में भीग चुकी है क्योंकि मम्मी को बल्द की बीमारी है इसलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने कितनी अच्छी सफाई कर दी है। और उधर वो पापा देख रहे हैं अभी चला के इसको, भी ये चल रहा है या नहीं चल रहा। मम्मी एक बार फिर से झाड़ू लगा रही है, थोड़ा बहुत अड़ंगा और रह गया होगा इसलिए। मम्मी ने तो झाड़ू लगा दी है लेकिन अब मेरा हो गया पोछा लगाने का टाइम, क्योंकि झाड़ू मम्मी ने लगा दिया तो पोछा लगाऊंगी मैं। फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया जाए तो फर्श चमक जाता है, इसलिए मैं लगा रही हूँ पोछा। कभी हाथ से लगा लेते हैं हम, कभी वाइपर से लगा लेते हैं, इसलिए अब इसी से लगा रहे हैं हम। झाड़ू पोछा लगाने के बाद हम थोड़े से गेट को भी साफ़ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे धूल जम जाती है, इसलिए हम इसमें हर रोज़ ही पोछा लगा लेते हैं। ये दरवाज़ा तो साफ़ हो चुका है, चलिए अब अंदर वाला कर देते हैं, ये बाहर वाला ना, इसलिए। फ्रेंड्स, बाहर वाला साफ़ करने के बाद ये अंदर वाला भी साफ़ कर रही हूँ मैं। अब चलिए खिड़की और साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ। क्योंकि यही बाकी रही है, सो इसको भी साफ कर ही लेते हैं। ये शीशा साफ कर लेती हूँ, फिर इस सारी अलमारी को साफ कर लेती हूँ ताकि सारा घर एकदम चकाचक हो जाए। लाइट नहीं है इसलिए यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, इन्वर्टर डाउन हो चुका है, आज पूरे दिन लाइट नहीं आई थी इसलिए। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स हमने झाड़ू पोछा और क्लीनिंग सारी कर ली, लेकिन ये मुन्नू अभी तक यहाँ से नहा के फारिग नहीं हुई है और अभी अंदर जाने के लिए बोल रही हूँ इसको, तो भी नहीं जा रही है। चल मुन्नू अंदर, मुन्नू चलेगी कि अंदर? अभी तैयार हुई है कि अंदर लेके जाओ, मैं इसको अंदर ले जाके रेडी कर देती हूँ। फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।